एक दिवसीय प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अधीन गांव थपला में महावतार गौशाला का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भव्य गौशाला का निर्माण प्रदेश और क्षेत्र में अच्छी पहल है। ऐसे गौशाला का निर्माण भविष्य में भी होना चाहिए, ये मैं कामना करता हूँ। वहीं पत्रकारों के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को सुदृढ़ मानती है और हमने ऊना जिले को बड़े प्रोजेक्टों से नवाजा है, चाहे वह हरोली का ब्लॉक ट्रक हो, पार्क हो या ऊना का पीजीआई सैटेलाइट। लोगों को जो गारंटियां दी थी वो फेल होती नजर आती, गारंटी वाले दिखते नहीं, गारंटियां फेल होती नजर आती। केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश के लिए पहले भी दिल खोल के प्रोजेक्ट मिले, आगे भी मिले। हाल ही में 730 करोड़ रुपए के तो केवल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें हमने यहाँ के लिए मंजूर करवाई। ये अपने आप में दिखाता है केंद्र ने कितना बड़ा दिल कर दिया। लगभग 1000 करोड़ रुपए का पुल, 960 करोड़ रुपए का पुल है मंदिर पर, वो मंदिर ये तो मैं केवल एक एक दो दो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। 4500 करोड़ रुपया केवल जो हमारे एक्सप्रेस वे यहाँ पे बनने, जो फोर लेन बन रहा है उसके लिए खर्च हुआ है। तो आप कल्पना कीजिए अगर सड़कों पर इतना है, 1700 करोड़ का एम्स, 500 करोड़ का केंद्रीय विश्वविद्यालय, 450 करोड़ रुपये का पीजीआई, IIIT 200 करोड़ रुपये का, NIT से लेके बाकी सब सुविधाएं, मेडिकल कॉलेज दिए तो मोदी सरकार ने, और जो नल से जल सुविधा है वो भी हर घर को देने का काम मोदी सरकार ने। अभी हमारा एक उपचुनाव हुआ जिला परिषद का, हम 2000 मतों से जीते, और इससे पता चलता है कि राज्य की सरकार के खिलाफ कितना रोष लोगों के मन में है। और अभी भी अगर राज्य की सरकार नहीं सुधरेगी तो जनता अपना मत करना जानती है।